एविडेंस लॉ के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 34 ऑफ एविडेंस एक्ट से डील करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने डाइंग डिक्लेरेशन के कंप्लीट जनरल कॉन्सेप्ट को समझा था। आने वाले वीडियोस में हम सेक्शन 32 के बेयर एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं हम उन्हें लाइन बाय लाइन समझते हुए चलेंगे। अब क्योंकि हमने सेक्शन 32 जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है उसके जनरल मीनिंग को समझ लिया है, तो अब हम जब बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो हमें आसानी से सभी चीज़ें समझते हुए आएंगी, राइट। चलिए तो सेक्शन 34 क्या कहता है। एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलेवेंट। देखो एविडेंस एक्ट पे एक लंबे समय पर वीडियो बन रहा है तो कई सारी चीज़ें आपके दिमाग से मिस आउट हो गई होंगी, तो आपके कन्वीनियंस के लिए चलिए एक बार फिर से हम शॉर्ट में चीज़ों को दोहराते हैं, चीज़ों को रिकॉल करते हैं। देखो हम जानते हैं कि हमारे एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शंस हैं, टोटल 11 चैप्टर्स हैं और हमारा एविडेंस एक्ट टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस एक्ट में हमने इन सभी सेक्शंस, इन सभी चैप्टर्स और इन तीनों पार्ट्स को कवर किया है। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। अब देखो हमने ये जाना कि जो पार्ट वन है वो बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोर्ट केवल और केवल उन्हीं फैक्ट्स को अप्रिसिएट करता है जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं, राइट। अगर हम इररेलेवेंट फैक्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो कोर्ट इसे अप्रिशिएट नहीं करेगा और कोर्ट का टाइम भी जाएगा, कोर्ट राइटफुल जजमेंट को डिलीवर नहीं कर पाएगा, राइट। तो पार्ट वन जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है इसमें दो चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर वन जो कि प्रीलिमिनरी है, सेक्शन एक से लेकर के चार तक, और चैप्टर टू बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, और इसमें जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 5 to 55। एविडेंस एक्ट का सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर टू और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कुल 50 सेक्शंस हैं इसमें, राइट। अब ये जो चैप्टर है ये अपने आप में कुल 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी हम ये कह सकते हैं ये जो टोटल हमारे पास 50 सेक्शंस हैं इनका क्लासिफिकेशन कुल 8 कैटेगरीज में हुआ है, कुल 8 हेड्स में हुआ है। HEADS, दीज 50 सेक्शंस आर कैटेगराइज्ड अंडर 8 हेड्स और अंडर 8 कैटेगरीज, राइट। सबसे पहला है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 16 तक। दूसरा है एडमिशन,
17 से लेकर के 31 तक, राइट। अब इसमें भी देखो एडमिशन के जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 17-23 एंड सेक्शन 31। कन्फेशन के जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 24-30, राइट। तीसरा क्या है, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। सेक्शन 32, सेक्शन 33, राइट। और यही सेक्शन 32 के सब सेक्शन 1 में हमने डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात किया है, हमने डाइंग डिक्लेरेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा है, हमने सेक्शन 32 के बेयर एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन्हें नहीं समझा है, तो उन्हें हम समझेंगे आने वाले वीडियोस में, राइट। हमने एडमिशन के कॉन्सेप्ट को समझा, एडमिशन के जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हें हमने कवर किया, हमने कन्फेशन के ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस को कवर किया है। तो यानी अब तक हमने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, एडमिशन, कन्फेशन, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, इसके तहत हमने डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। अच्छा, हम इन टॉपिक्स को किस हेड के तहत पढ़ रहे हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर 2 के तहत, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, फोर्थ वन इज स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 34 से सेक्शन 38, ठीक है। तो अब हम अपने फोर्थ कैटेगरी विच इज स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेक्शन 34 से सेक्शन 38, इन सेक्शंस को कवर करने वाले हैं, राइट। तो ये फोर्थ कैटेगरी हो गया। पांचवा क्या है, हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड सेक्शन 39। छठवां क्या है, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट सेक्शन 40 से लेकर के 44 तक। और सातवां है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट कब रेलेवेंट होगा, सेक्शन 45 से लेकर के 51 तक। और लास्ट कैटेगरी हमारा है, और लास्ट है हमारा कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट 52 से लेकर के 55 तक, ठीक है। तो यानी चैप्टर 2 विच इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 5-55, दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 8
पार्ट्स और एट कैटेगरीज, जिसमें जो पहला पार्ट है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, सेक्शन 5 to 16। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस बन सकते थे, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी सेक्शंस को हमने कवर कर लिया है। फिर पार्ट टू में हमने एडमिशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा, हमने कन्फेशन को समझा। पार्ट थ्री में हमने डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी अगर किन्हीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, अगर कहीं किन्हीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत कोई स्टेटमेंट रेफर किया जाता है तो वो कब रेलेवेंट माना जाएगा, सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 38। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, फिर जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, फिर कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। इन सभी पार्ट्स को पढ़ने के बाद हम डील करेंगे एविडेंस एक्ट के चैप्टर 3 से, जो कि कहता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ऐसे फैक्ट्स जिन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, यानी जिनके ऑथेंटिसिटी या वेरोसिटी को प्रूव करने के लिए हमें फर्दर एविडेंसेस नहीं लाने हैं, कोर्ट उनके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को मान लेगा। और फिर इसी तरह हम चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके अपने एविडेंस एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। एविडेंस एक्ट के इन वीडियोस को अगर आप देखते हो तो ये वीडियोस अपने आप में सफिशिएंट हैं और आपको अदर सेक्शंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हो तो इट इज़ अप टू यू, ये अच्छा है, आप देख सकते हो, लेकिन ये जो सेक्शंस हैं इन्हें आपको स्किप नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सेक्शन 34। तो आई होप कि ये जो बैकग्राउंड है, हम कौन से सेक्शन को पढ़ रहे हैं, किस हेड के तहत पढ़ रहे हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सभी फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 34। तो चलिए अब बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया, अब हम बात करेंगे सेक्शन 34 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो बस आप ये याद रखना कि सेक्शन 5 से 55 डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, यानी हम ये जो सेक्शन 34 को कवर कर रहे हैं ये कहाँ आ रहा है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के तहत आ रहा है, ठीक है। चलिए और ये किस सब हेड में आ रहा है, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, राइट। तो सेक्शन 34 टू 38 डील्स विथ स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और हम बात करेंगे सेक्शन 34 से। अच्छा, सेक्शन 34 क्या कहता है, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज
एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज एंट्रीज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रिलेवेंट, कब रिलेवेंट होगा? देखो समझो, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज एंट्रीज विच आर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रिलेवेंट। देखो सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे होगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अच्छे से समझते होगे। फिर भी देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझाना ज़रूरी है। देखो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वेदर स्मॉल बिजनेसमैन यानी अपना बिजनेस स्मॉल स्केल पे कंडक्ट करता हो, या कोई भी लार्ज बिजनेसमैन हो, फिर चाहे वो कोई कंपनी चलाता हो या पार्टनरशिप फॉर्म चलाता हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन करता हो या भले ही कोई एनजीओ चलाता हो, ठीक है। वैसे एनजीओ चलाने वाले बिजनेसमैन नहीं होते हैं, ठीक। तो कोई सा भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, उसमें जो बिजनेसमैन होता है, जो कर्ता धर्ता होता है बिजनेस का, वो क्या करता है? एक रजिस्टर या अकाउंट मेंटेन करता है जिसमें वो डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जैसे उसके बिजनेस में आज का सेल क्या रहा, इस सेल में से कैश सेल कितना रहा, उधार पे कितने लोगों को बेचा, क्रेडिट सेल, राइट। अच्छा, पहले किसी को उधार पे गुड्स बेचा था तो किस पर्सन से उसे उधारी रिसीव हुई, यानी पैसा उससे आया, एक्सपेंसेस कितना हुए, स्टॉक में गुड्स कितने पड़े हुए हैं, कितने गुड्स का आज सेल हो गया, कितने गुड्स को और लाना है, यानी ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इन्हें वो डेली बेसिस पर मेंटेन करता है ताकि वो अपने बिजनेस का करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके, ताकि वो ये जान सके कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या जितने का इन्वेस्टमेंट है उतना रिटर्न उसे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो कोई भी बिजनेसमैन हो, वेदर स्मॉल बिजनेसमैन और मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, क्या करते हैं? रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें वो डेली ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, जो कहलाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ताकि वो अपने बिजनेस का करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जान सके कि वो फायदे में है या नुकसान में है, किससे उनको कितना लेना है, किससे उनको कितना देना है, राइट। तो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये तो हो गया रजिस्टर्स बुक्स। अब कह रहा है इंक्लूडिंग दोज एंट्रीज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, उन एंट्रीज के भी बारे में बात किया जा रहा है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, यानी दोज एंट्रीज। अब तो सुपर कंप्यूटर का इरा है, तो सपोज करो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई अदर गैजेट्स जिनमें एंट्रीज की जा रही हैं, तो इंक्लूडिंग दोज एंट्रीज, तो यानी हैंड रिटन एंट्रीज
एज वेल एज दोज एंट्रीज विच आर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलेवेंट, कब रेलेवेंट होंगे, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दोज एंट्रीज ऑल्सो विच आर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इफ रेगुलरली केप्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, यदि उन एंट्रीज को उन रजिस्टर्स में या उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में रेगुलरली डेली बाय डेली डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है तो वो अपने आप में क्या है, रेलेवेंट है व्हेन एवर दे रेफर टू अ मैटर इन विच कोर्ट हैज टू इंक्वायर। यानी जब कभी भी उन एंट्रीज के रेफरेंस में कोर्ट को किसी पर्टिकुलर फैक्ट को क्लियर करना होगा तो कोर्ट उन एंट्रीज को रेफर कर सकता है, उन एंट्रीज पर कोर्ट रिलाई कर सकता है, विश्वास कर सकता है अगर उन एंट्रीज को इन द डेली कोर्स ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल समझो, अब जैसे मानो मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए इज अ बिजनेसमैन और ये अपना एक छोटा सा प्रोविजनल स्टोर चलाते हैं, यानी इनकी क्या है, किराने की दुकान है, राइट। ये है मिस्टर बी जो कि मिस्टर ए हु इज अ बिजनेसमैन इनके रेगुलर कस्टमर हैं, ठीक बात है। मिस्टर बी मिस्टर ए की दुकान से मंथली जो भी किराने के सामान होते हैं उन्हें वो लेते हैं। मिस्टर बी ने मिस्टर ए की दुकान से जो भी सामान खरीदा अधिकतर उन सामानों को मिस्टर बी ने कैश में परचेज किया, यानी कैश परचेज, राइट। अब मान लो बीच बीच में मिस्टर बी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, कोई रीजन था, मान लो सैलरी नहीं आया था या कोई अदर रीजन था, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कुछ क्रेडिट परचेज भी किया था, यानी उधार में कुछ सामान खरीदा था 3-4 बार मान लो। अब हमने देखा रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो मिस्टर ए जो कि बिजनेसमैन है ये अपने दुकान में डेली ट्रांजैक्शंस को एक डायरी में मेंटेन करते थे, तो इसमें इन्होंने जब जब कैश में सेल किया था मिस्टर बी को उसे रिकॉर्ड किया था, 2-3 बार मिस्टर बी ने फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण जो उधार में सामान खरीदा था उसकी भी एंट्री मिस्टर ए ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किया था। सपोज करो मिस्टर बी ये कहते हैं कि टोटल उधारी मेरे पे है आपका 15,000 रुपीज़ का, वहीं मिस्टर ए कहते हैं नहीं, आपने टोटल अभी तक मुझसे 20,000 रुपये का सामान लिया है, या ऐसे समझो
कि मान लो मिस्टर बी कहते हैं ये 15,000 रुपये टोटल सामान हुआ था, जिसमें से मैंने आपको पूरा का पूरा पैसा लौटा दिया है, हमारा और आपका जो खाता है उसे ख़त्म कर दीजिए, अकाउंट क्लोज कर दीजिए। अब मिस्टर ए कहते हैं कि नहीं, उन 15,000 रुपीज़ में से आपने केवल और केवल 10,000 रुपीज़ ही दिया था, आप भूल रहे हो। ये देखो, ये है मेरी डायरी जिसमें मैं डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता हूँ। तो इफ देर इज डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी रिगार्डिंग पेमेंट, बी क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने टोटल 15,000 रुपीज़ को पे कर दिया है, वहीं ए कह रहे हैं कि नहीं, आपने केवल 10,000 रुपीज़ ही पे किया है। ये देखो, ये है वो डायरी जिसमें मैं डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, इस डेट पे आपने 5,000 दिया है, इस डेट पे 5,000 दिया है, राइट, और इसके बाद एंट्री ही नहीं हुई है क्योंकि आपने बचे हुए 5,000 को दिया ही नहीं है। तो देर इज डिस्प्यूट। तो आप बी मान लो सूट फाइल करते हैं ए इनसे जब, और 5,000 रुपये का डिमांड करता है, तो बी सूट फाइल करते हैं, तो कोर्ट को अब क्या करना है, ये जानना है, कोर्ट को ये कंफर्म करना है कि कितना अमाउंट बी ने दिया और कितना अमाउंट अभी बाकी है। तो कोर्ट जो है जिस डायरी को, जिस रजिस्टर को मिस्टर ए मेंटेन करते हैं उसका रेफरेंस ले सकता है, अगर इस डायरी को रेगुलरली मेंटेन किया जाता है। लेकिन कह रहा है बट सच स्टेटमेंट्स, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं, शैल नॉट अलोन बी सफिशियंट एविडेंस टू चार्ज एनीवन विथ लाइबिलिटी, यानी ये कह रहा है लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रजिस्टर में जो रिकॉर्ड है, ये अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, यानी मिस्टर ए को ये प्रूफ करना होगा, फर्दर एविडेंसेस लाना होगा और ये प्रूफ करना होगा कि देखो मिस्टर बी से अब तक केवल इतना ही पेमेंट रिसीव हुआ है, ये है टोटल अमाउंट जो कि मिस्टर बी ने मुझसे लिया है उधार में, इतना मुझसे परचेज किया है, इतना उससे मैंने कैश रिसीव कर लिया है। तो मिस्टर ए को अब, क्योंकि मिस्टर ए कह रहे हैं कि इन्हें केवल 10,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है और 5,000 रुपये का अतिरिक्त बकाया है मिस्टर बी पर, तो केवल और केवल इस रिकॉर्ड यानी इस बुक ऑफ अकाउंट का सहारा लेकर के मिस्टर ए मिस्टर बी के डेब्ट को क्लेम नहीं कर सकते हैं, इन्हें फर्दर एविडेंसेस भी पेश करने होंगे। हो सकता है मिस्टर ए जानबूझकर फ्रॉड माइंड से उस 5,000 रुपीज़ को एंटर ही ना किए हों, ठीक है। तो ये है सेक्शन 34 विच इज रेलेवेंसी इन बुक्स, रेलेवेंसी ऑफ एंट्रीज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो ये था सेक्शन 34 जिसे हमने आज के इस वीडियो में डिटेल में समझा। मैंने सोचा था कि सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 38 तक के जितने भी सेक्शंस हैं जो स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस के तहत आते हैं, इन चारों सेक्शंस को एक ही वीडियो में कवर कर दूं। लेकिन बगल में माता लक्ष्मी जी को स्थापित किया गया है, तो अब आप जानते हो साउंड कभी भी ऑन हो सकता है, बाजा कभी बज सकता है, गाना बज सकता है, तो इसलिए अभी कुछ दिनों तक शॉर्ट वीडियोस आएंगे, एक एक सेक्शंस के कवर करूंगा मैं, ठीक है, ताकि वीडियोस भी बनता रहे, आप पढ़ते भी रहो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी ना हो, ठीक। तो ये था सेक्शन 34 जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी। अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगा प्लीज़
चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी एक चीज़ और, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हैं जिसका आप डिमांड कर रहे हो, वन शॉट वीडियो उस पर बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। अब माता जी जब विस्थापित हो जाएंगी, जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, तो मैं वीडियोस ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तब तक आप जो भी वीडियोस हैं उन्हें देखो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।